यार ये देखो यार कैसा ये नीचे हुई कितना गिराई में समी आ रही है। समी तू देख रहे हैं? नहीं मैं सो गया। तू सो गए मैं व्लॉग दे रहे हम कंटिन्यू करेंगे। ओए ओए यार पापा कितना जबरदस्त व्यू है यार। मैं खो गया था 2 मिनट के लिए पापा। पता नहीं खो गया था कि सो गया था मुझे तो समझ नहीं आ रही तेरी। नहीं यार मैं पहाड़ों को देखना इन पहाड़ों के अंदर मैं खो गया था। इतनी मैं देख ना ग्रीनरी हाय हाय लाजवाब हो गया भाई कसम खुदा की यार मजा आ गया गाइस। कैसा यार अल्लाह ताला की शान है यार कितना प्यारा बना हुआ है यार कमाल है कमाल हो गया कमाल हो गया यार। ओए होए 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 गाइस यार देखो तुम लोग देखते हैं जेडे खड्डे ने ना ये बड़े ने यार कसम खुदा की गाइस ये सिंक रोड है ना अभी जो वाटरवे से उतरे हैं तो अभी दूसरे रोड पे जाने के लिए जीटी रोड पे जाने के लिए ये थोड़ा सा एरिया ऐसा है ना। हाँ ऐसा ही है पापा तकरीबन 2 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जी ऐसा ही है पापा। अभी तकरीबन ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है अल्लाह खैर करे अल्लाह खैर रखे। लेकिन गाइस यार ये देखो तुम लोग ओए होए होए क्या व्यू है भाई जान मजा आ गया सीरियसली। ये देखो बकरियां खड़ी हैं इधर इस साइड पर। ओए होए 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 माशाल्लाह कमाल हो गया भाई जान। ये देखो तुम लोग वाओ दैट्स अमेजिंग। ओए होए होए गाइस क्या पहाड़ी इलाका है। ये देखो यहाँ पर आगे क्या ना ब्रिक्स है और ये ब्रिक्स है ये पता नहीं क्या है ब्लॉक्स है आई थिंक। हाँ ब्लॉक्स है ब्लॉक। ये देखो कितने लंबे लंबे दरख्त हैं। समी जी हम आ गए हैं बेटा इसके मेन रोड के ऊपर। ओके यहाँ से तकरीबन बालाकोट अभी रह गए 22 किलोमीटर। अच्छा और कागान उससे आगे है। ओके अल्लाह पाक खैर खैरियत रखे आमीन सुमा आमीन खैर खैरियत से जाए। लेकिन यार गाइस सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हाँ यार मैं चीज तो भूल ही गए यार सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आप लोग शेयर सब्सक्राइब एवरी और कमेंट करना नहीं everything. भूलना भाई साहब कैसा लगा हमारा टूर। ओए ओए टूर टूर की तो फुल चार्ज पार्टी है इनको गाइस। यार गाइस ये देखो कितना जबरदस्त व्यू है। ओए ओए ओ ला यार पापा देखो कसम से यार पापा देखो पापा मुझे पता क्या कह रहे थे गाइस। मुझे पापा कह रहे थे कि क्या नाम है तू अभी रुक अभी थोड़ी आगे जगह आने दे। तूने कह रहा है भाई जान जो मैंने पीछे ब्लॉग बनाए ना वो सारे डिलीट कर दो यहाँ से शुरू कर। अभी जिधर जिधर आगे जाते जाओगे जैसे जैसे आगे जाते जाओगे यस आपको ये इस चीज ये देखो ना फील हो यार देखो गाइस यार माहौल है जनाब साहब कितना जबरदस्त किस्म का माहौल है यहाँ पे। दिल कह रहे कि भाई बस आपका कमरा हो जैसे कि वो सामने है आप लोग देख सकते हैं होटल है बट का बट कढ़ाई टिक्का ये तो खैर होटल भी है और बाकी जो है वो खाने पीने की जगह भी है। लेकिन क्या कहते हैं कि आप कहते हो कि बस हमारे पास एक कमरा हो सुकून से जनाब साहब हम लोग गैलरी के अंदर बैठे हों और ऐसे खूबसूरत नज़ारे हो तो पहाड़ नज़र आ रहे हो उसकी ब्यूटी नज़र आ रही हो तो आप कहते हो कि भाई साहब कमाल कमाल हो गया भाई जान और पैसे पूरे हो गए ऐसे ही अब हाय हाय क्या बात है। मेरा ख्याल पापा जान ये यहाँ से कागान अभी शुरू हो चुका है और जी ये देखे ना कागान शाल सेंटर और कागान शाम सेंटर पता नहीं अल्लाह अकबर
ओए 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 ओए, यहाँ से चढ़ाइयाँ हो चुकी हैं जी शुरू, और अब हर जगह जो जो भी जगह आ रही है ना उसके साथ कगान, कगान का नेम जो है ना वो वर्ल्ड आ रहे हैं। तो बहरहाल यॉर्कर्स देखो कितनी ब्यूटी है, और चढ़ाइयाँ भी अल्लाह खैर रखे। ओह चलो भाई ब्रेक लाने पे हो जुड़न दे हो। यार गाइस इस तरफ से आप लोग देखिए यार, ओ माय गॉड गाइस ये देखो कितना जबरदस्त व्यू है, अमेजिंग। ये देखो कितने लंबे लंबे दरख्त हैं, ये देखो ओए गाइस ये देखो यार कितना मजा आ रहा है भाई जान, दैट्स वेरी अमेजिंग। क्लब कैफे रेस्टोरेंट, ओहो ओके जी, होए होए गाइस यार सभी मरी याद आया, ओए याद आ गया पापा के तो खुदा की यूबिया अल्लाह अकबर, यूबिया नथिया गली सेम डायरेक्शन ऐसे ही रोड है, और बड़े बड़े जनाब से दरख्त है यार गाइस वो देखो व्यू, ओह माय गॉड इट्स वेरी अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। ओए होए 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 गाइस वो देखो यार ये देखो ये रेस्टोरेंट है मेरे ख्याल या कोई बन रहा है अभी, ये रेस्टोरेंट ही ना एक तरह का बन रहा है अभी, आराम से अल्लाह खैर रखे। नाइस यार गाइस ये देखो ओए 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 फुल एंजॉय करा रहा भाई जान, फुल हैवी वाइब्स आए हाय माशाल्लाह माशाल्लाह, इधर हवा ठंडी हो रही है, हवा ठंडी हो रही भाई जान, मैं हाथ पैर मैंने निकाला है और हवा इस टाइम बिल्कुल ना ठंडी हो चुकी है। ये देखो गाइस दैट्स वेरी अमेजिंग, ये देखो ट्रक आ रहा है किसे बाइक्स, ओए गाइस ये देखो सामने तुम लोग सामने बादल है, ये पहाड़ देखो तुम लोग यार कितना अखीर लेवल है भाई जान, मजा आ रहा है वैसे। पापा आपको ड्राइव करने में मजा आ रहा है? मैं तो फुल एंजॉय कर रहा हूँ, सभी एंटरटेनिंग है पूरा, फुल कसम से यार बहुत पुरसकून माहौल, और जनाब साहब ठंडी ठंडी हवा आपको मिल रही है और डिफरेंट नज़ारे मिल रहे हैं, ठीक है डिफरेंट गाड़ियाँ मिल रही हैं, ओए होए डिफरेंट व्यूज़ मिल रहे हैं, हर मोड़ पर आपको एक न्यू आपका एक्सपीरियंस होता है, और मैं कह रहा हूँ कि भाई जान बहुत ही मज़ा आ रहा है अखीर लेवल। अभी हम लोग नीचे की तरफ डेलान की तरफ जा रहे हैं, ऐसा ही है पापा? हाँ जी, अभी असल में ये पहाड़ियाँ ना पहाड़ियों में कभी नीचे कभी ऊपर कभी अच्छा, अगली अच्छा, अगली पहाड़ी जब आएगी वो ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके 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 सही हो गया, एक पहाड़ी हम गुजर आए हैं ना, ऐसा ही है फिर भी फिर रहे हाँ नीचे की तरफ जा रहे, लेकिन व्यू बहुत नारियल। ये देखो गायें जा रही हैं, तीन गायें जा रही हैं भाई जान, तीन और पीछे भी हैं, हाँ पीछे भी हैं तीन, और ये नज़ारा देख रही हैं, अब ये आईफोन देख रही है मेरा। हेलो हेलो गाइस हाउ आर यू फाइन, कैसे जी सब लोग, दैट्स अमेजिंग गाइस। अच्छा पापा वैसे उस तरफ धूप है और इस तरफ नहीं है धूप? ये बेटा सारे पहाड़ है ना इस तरफ सूरज ऐसे ही है, ये देखो उस तरफ जो है वो धूप है और इस तरफ नहीं है, अभी हम लोग ऊपर से भी नीचे है ना, देखो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर, क्या क्या सीन है भैया, ओए 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 गाइस ये देखो यार दैट्स वेरी अमेजिंग। इस तरफ जो है वो पार्क वगैरह है, आप लोग नहर कहते हैं नजर आ रहे हैं तुम लोग को, बाकी ये क्या कहते हैं उसको साथ झूले वगैरह हैं, और फुल इंजॉयमेंट चल रही है भाई जान इस टाइम, मजा आ गया पहाड़ों में, वहाँ पे आग लगी यार पता नहीं यार गाइस वहाँ पे ना कोई आग लगी हुई, मैं ऐसे देख रहा हूँ ये सामने से देखो यार पता नहीं यार, मतलब ये लोगों ने लगाई है बाद में, फिर इसी वजह से ना हमारी जो फिर ब्यूटी होती है ना, ओए ओए गाइस यार ये देखो इस तरफ आ गया और इस तरफ जो वो दरिया बह रहा है भाई जान, बड़ा हैवी लेवल सीन है ये देखो गाइस, कितना प्यारा होटल है
यहाँ पे ये भी होटल है, और इससे आगे भी हमें ना लेफ्ट राइट साइड पे ना दोनों साइड पे हम लोगों को होटल देखने को मिलते हैं। तो देखिए ये भी एक होटल है, इस साइड पे ये अभी बन रहा है, और ये भी है ना, बड़ा हैवी सीन है। बाकी ये जो हम देखेंगे वहाँ पे कोई ऐसा होटल में स्टे हाँ। करेंगे ना जहाँ पे नीचे दरिया बह रहा हो, ऐसे ही ऐसे ही आवाज आ रही हो, पापा यार कमाल कर दिया, नीचे चले जाए जनाब वहाँ पे जाके पूरा घूम फिर के सारे सब देखेंगे देखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखेंगे। ओए होए कर गई सामने आग लगी भाईजान, ये आपको नजर आ रहे हैं यहाँ से आग निकल रही है भाईजान, यार लोगों को ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और नीचे जो है वो रिवर है, आप लोग देख सकते हैं। ओए होए होए गाइस हाँ यार वैसे कसम से पापा बहुत अखीर लेवल है व्यू सामने, और पीछे पहाड़ियाँ हैं ये देखें, ये इस वाली साइड पे ये देखो यहाँ पे डिफरेंट रेस्टोरेंट आपको मिलने को देखने को मिलते हैं। और बाकी यार ये बालाकोट बालाकोट है बालाकोट, ओके ओके गुड हो गया भैया। यार ये देखो सामने समुंदर दरिया देखो कितना जबरदस्त किस्म का भाईजान, मजा आ गया गाइस। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भाईजान कागान के क्या नाम है बाजार के अंदर, और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे माशाल्लाह कितनी रौनक है, और लोग आ जा रहे हैं जनाब साहब दुकानों पे, जनाब साहब डिफरेंट शॉप्स हैं, प्रॉपर फील हो रहा है आपको यहाँ पे, फ्रूट की शॉप जनाब साहब आपको, उसके बाद क्या नाम है पेंट शर्ट्स बैग लेदर के, और बाकी इस तरफ जो है चप्पल वगैरह, और डिफरेंट यहाँ पे आपको शॉप्स मिल रही हैं। जो रश है वो आपको ना इतनी ज़बरदस्त किस्म की एक फील करा रहा है ना कि बस मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई जान। लेकिन तुम ये अखीर लेवल चेक करो ज़रा नज़ारा तुम लोग, और बाकी ट्रक्स हैं लोडेड हो रहे हैं जी, काफ़ी कुछ यहाँ पे ना हो रहा है भाई जान, और बहुत मज़ा आ रहा है यार। आप पापा से पूछते हैं क्या सीन है जी, पापा मज़ा आ रहा है जबरदस्त, ओए होए होए यार क्या देखो व्यू है भाई जान, क्या अखीर लेवल भाई जान बाजार भी, हाय 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 हाय। और बाकी आप क्या सीन है बना, अभी देखते हैं समी, असल में टाइम तो अभी एक घंटा है तकरीबन, अगर ठीक है आगे निकले ओके फर्ज करो कि अगर हम जाते हैं हमारा जो शुग्रान अगर शुग्रान चलना है हिम्मत है तो चले चलते हैं। ओए होए 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 गाइस ये देखो यार यार ये है कुछ है भाई जान, और फुल बहाव तेज है, और बाकी ये देखो ये व्यू चेक करो तुमको क्या बात थी गाइस। अच्छा जी अभी एक घंटा है, तो फिर आपने अभी क्या सोचा फाइनल, क्या आपका फैसला है अभी के आगे ट्रैवल करना चाहेंगे या अभी यहाँ पे ही हमारा स्टे होगा? वैसे तो टाइम है ऊपर जा सकते हैं, ठीक है तो फिर चलते हैं, फिर चले चले देख लेने कैसा कैसा बेहतर लगे वैसा कर लेंगे, कोई मसला नहीं मशवरा कर लें। और बाकी आप लोग व्यू इंजॉय करो गाइस, दैट्स वेरी अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। इस साइड से देखो गाइस ओए होए ट्रक वगैरह खड़े हुए हैं, और उस तरफ तो पहाड़ जनाब साहब, नीचे बाजार, तो मैं कहता हूँ अखीर लेवल हो गया गाइस, मज़ा आ गया।
सो गाइस फाइनली अभी हम लोग तो भाई साहब फाइनली पहुंच नहीं सके, लेकिन ये है कि हम लोग अभी रास्ते में हैं और ये जो मैं आपको अभी व्यू दिखा रहा हूँ भाई जान, ये आप लोग देख सकते हैं बैक साइड से और इसकी पूरी टॉप तक भाई साहब यहाँ पे खड़े होकर जो हम लोग हमारी जो आंखें जो नज़ारा देख रही है ना वो हमारा जो मोबाइल है ना वो शायद आपको ना दिखा सके या मतलब उस हिसाब से उस एंगल से ना दिखा सके, ठीक है। लेकिन मोबाइल माशाल्लाह अच्छा है और आपको अच्छा काफ़ी अच्छा जो है ना वो आपको जो है वो फिल्टर विल्टर ये वो अच्छा देखने को मिलेगा। और बाकी पापा एक कैसा रहा यहाँ तक एक्सपीरियंस और क्या हिसाब से जाना? बहुत अच्छा सफ़र तुम्हारा है। ओके आगे भी इंशाल्लाह अच्छा होगा। इसके इसके तुम जरा काम से करो। इसमें भाईजान अभी से ही ना वो क्या कहते हैं कोट पहन ली और इसको सर्दी लग रही थी, इसके बालों पे मत जाना गाइस तुम लोग, ठीक है, क्योंकि इसके जो है ना बालों में बम फटा हुआ है इस टाइम। और बाकी ये पापा ये जो क्या कहते हैं ये जो पीछे आवाज आ रही है दरख्तों के अंदर, यार पापा यार बंदा बात तो सुन लेता है यार, आप तो कसम से सुनता ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो दरख्तों में से आवाज आ रही है किसी की आ रही है? नहीं यार एक जानवर होता है छोटा सा टिड्डी टिड्डी करेंगे उसे उसकी आवाज यार कसम से इतना लाउड वो म्यूजिक है ना मुझे साउंड है इनका वैसे कानों के अंदर ऐसे बज रहा है भाई जान प्रॉपर। बहरहाल कोई बात नहीं, लेकिन यार ये जगह बहुत अखीर लेवल है, अभी हमने इससे ऊपर भी जाना है मजीद आगे आगे जैसे चलते चलते जाएंगे वैसे वैसे आपके साथ आगे वीडियो शेयर करते जाएंगे। और बाकी अभी नेक्स्ट शो पे आप लोगों से मिलते हैं। होए गाइस कितनी ज्यादा बेड़े हैं भाई जान, रोड बंद हो गया। ओए ओए कतर से रोड पूरा ब्लॉक कर दिया, साइड पे हो जाओ गाइस। यार दैट्स वेरी अमेजिंग, कितनी प्यारी लग रही है यार। ओए ओए बाकी ये व्यू चेक करें गाइस, कितना जबरदस्त व्यू है भाई जान। पापा अभी हम लोग कहाँ तकरीबन पहुँच गए और कहाँ जाने का इरादा रखते हैं? अभी ऊपर शुक्रान शुक्रान इंशाल्लाह कैसे आप लोग हमें दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह हम लोग अपना ट्रैवल जारी रख रहे हैं, अभी कहीं रुक नहीं रहे, किस जगह स्टे अभी नहीं कर रहे हम लोग, बस चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। ये देखिए गाइस और बाकी है कि अभी हम लोग पहुंच के फिर आप लोगों से मिलते हैं। ये क्या पता दुबई? ओके पता नहीं यार पापा तुम्हारा नाम आ जाएगा ना कवाई 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 कवाई। अच्छा जी ये कवाई जगह है जी, यहाँ पे जो है वो आपको रिफ्रेशमेंट एरिया मतलब अवेलेबल है और आप लोग रुक सकते हैं यहाँ पे। और ये देखें कितने ज़्यादा रोड पड़े हुए हैं इस साइड पे।
जी पापा जान, हम लोग कहाँ पहुंचे? हम लोग अभी ये शुक्रान के रोड पे चढ़ शुक्रान के रोड पे चढ़ गए वाला रोड गाइस यार। लेकिन वो सामने व्यू देखो भाई जान, सनसेट हो रहा है और इतना जबरदस्त किस्म का व्यू है यहाँ से देखो। ओ थोड़ी खैर सामने से भी एक क्या कहते जीप आ गई थी। ओए होए यहाँ से देखो जरा संभव सिंह कितना जबरदस्त है। बस पापा स्लो स्लो जाने दें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। गाइस अभी चढ़ाई जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है और बस अल्लाह खैर की दुआ करें। और बाकी ये व्यू है भाई जान शाम का, ये आप लोग देख सकते हैं। इस रोड पे हम लोग अकेले ही चल रहे हैं और थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ कुछ गाड़ियां नज़र आ जाती हैं। कभी एक गाड़ी नज़र आ गई, जैसे कि अब ये है जी ट्राला शरीफ थोड़ा सा साइड पे हो जाए ज़रा, दैट यू नेवर माइंड। बिल्कुल चिल माहौल हो, चलो कोई टेंशन वेंशन नहीं है, ऐसा ही अपना। यार गाइस शुगरान का रोड इतना ज़्यादा डेंजरस है ना कि बस मैं आपको बता ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपकी गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर है वो जिगरे वाले हैं तो वो आप ट्रैवल कर सकते हो, अदरवाइज सॉरी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा गाइस। और आप लोगों को भी हौसला देना होता है ड्राइवर को क्योंकि बंदा बहुत डर जाता है। और अगर निकलना भी होना शुगरान रोड के लिए कभी भी ज़िंदगी में ना, तो सुबह के टाइम निकलना भाई, कभी गलती से ना ब्लेड नहीं होना, मतलब 12-1 बजे निकलो तो
शुक्रान इधर 5-6-7 मतलब ये नहीं बजने चाहिए, आपको जल्दी पहुंचना है, ठीक हो गया ना, समझ रहे मेरी बात, आपको फौरन निकलना है और जल्दी निकलना है। और बाकी है कि शाम नहीं होने देनी, जैसे कि अभी इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि शाम हो चुकी है और इस रोड के ऊपर हम अकेले ही ट्रैवल कर रहे हैं, 5-10-15-20 मिनट के बाद भी एक गाड़ी नज़र आती है, तो ये सारा सीन है। मैं आप लोगों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। और बाकी अगर जाना भी है तो आपको ये मैं कहूँगा कि आप लोग 4x4 ले लें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी आप लोगों के लिए। लेकिन यार गाइज, इस रोड की जो वो दहशत थी, जो खौफ था, वो बहुत ज़्यादा था और हमारी पूरी की पूरी फैमिली तरह की डर गई हुई थी। फाइनली गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं, कुछ सांस में सांस आई है। बाकी अभी इधर क्या है, होटल शोटल है, क्या हिसाब है? हिल टॉप है ना पूरा। ओके खुश आमदीद शुक्रान। जी तो नाज़रीन, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर। और सीन जिस तरह की सर्दी लग रही थी आते साथ ही हम लोगों ने जो है ना जैकेट वगैरह पहन ली है यहाँ पर। और बाकी सीन भी जिस तरह के भाई जान, बाकी सब थके हुए थे और वो लोग जाते साथ ही भाई सो गए, ठीक हो गया, सो नहीं गए यानी लेट गए क्योंकि थक टूट गए। और बाकी जहाँ तक पापा की बात रहेगी, पापा भी बहुत ज़्यादा थक गए और पापा की हिम्मत को सलाम है भाई जान, जिस तरह वो गाड़ी ट्रेवल कर रहे थे इतना ज़्यादा मुश्किल था। अभी जिस टाइम हम लोग ऊपर की तरफ आ रहे थे शुक्रान की तरफ यानी, तो रास्ते में मतलब ऐसी ऐसी जगह आई है कि बस बहुत ज़्यादा ना खौफ आ रहा था, ठीक हो गया। और अगर आप लोग आ रहे हैं आपके साथ एक प्रो ड्राइवर, प्रो समझ रहे हो ना, प्रो ड्राइवर होना चाहिए क्योंकि उस पर डिपेंड होता है कि वो आपकी गाड़ी को किस तरीके से हाइक पे लेके जा रहे हैं और कैसे उसने संभाल ली है गाड़ी, ये उस पर डिपेंड करता है। बाकी काफ़ी सारा डर लग रहा था बीच में, लेकिन कोई बात नहीं, बस ऐसे ऐसे हम लोग बैठे हुए थे कि जी अब जो है ना 10 किलोमीटर रह गए, अब 6 किलोमीटर रह गए, अब 5 किलोमीटर रह गए, अब जो है ना इसमें 10 मिनट रह गए, 15 मिनट रह गए, ऐसे करके हम लोग बस वेट कर रहे थे। अच्छा यार नाज़रीन, साथ ही साथ एक और बात बताता चलूँ कि भाई जान अभी जो हम लोग यहाँ पे मौजूद है ना, ये कौन सी जगह है, ये अभी आप लोग देख सकते हैं जो आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं इस साइड पर, इस साइड पर, इस साइड पर, ये सारी की सारी जगह ना ये आती है भाई जान आपका होटल्स, और आगे वाली साइड पर भी होटल्स हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे कुछ शॉप्स भी हैं ऐसे करके ना, और लेकिन हम लोगों ने एक ऐसी जगह चूज़ की जो हमें व्यू के लिहाज से ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, ठीक है। अभी हम लोग इस टाइम मौजूद हैं पैराडाइज के सामने, मतलब जहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया हुआ है, ये हमारा प्यारा सा होटल है, ठीक हो गया गाइज, आप लोग देख सकते हैं। और दिस वन भी ये देख सकते हैं, पैराडाइज होटल। और बाकी जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे स्टे किया हुआ है। और अब बारी आती है कि आप लोगों को ये बताने की कि हमने नीचे वाली साइड पर रूम लिए या हमने ऊपर जाके रूम लिए, तो हम लोगों ने ऊपर रूम लिए। अब जो ऊपर वाला रूम है वो माशाल्लाह जो है ना खुला डुला प्रॉपरली, वहाँ पे आराम सुकून से हमारी फैमिली आ सकती है रूम के अंदर। और नीचे फिर हम लोगों ने रिजेक्ट करने का यार फ़ायदा नहीं है भाई जान, आप ना हमें ऊपर चेक करो, विज़िट करो, फिर ऊपर उन्होंने भाई ने चेक करवाया, ऊपर फिर हम लोगों ने जो है ना रूम बुक किया। और बाकी जो है वो साथ ही साथ हम लोगों ने खाने का भी ऑर्डर दे दिए क्योंकि भूख तो बहुत ज़्यादा भाई साहब लगी हुई है। रास्ते में ना रुकने का रीज़न ये है कि भाई जान हम लोग खुद नहीं रुके, सही साफ सी बात है, हम लोग खुद नहीं रुके। क्यों नहीं रुके भाई जान, हमें पता था कि आगे जो है ना वो हर्डल्स हैं, टेंशन है, तो फिर फ़ायदा नहीं है, तो रुकने का फ़ायदा नहीं है, मकसद नहीं है, जब रुकेंगे आधा पौना घंटा ही बिला वजह ज़ाया हो जाएगा। तो बहरहाल अभी सब ऊपर है तो मैं नीचे आया हूँ, मैंने कहा यार आप सबको अपडेट दे देता हूँ कि फाइनली हम लोग जो है ना शुक्रान में पहुँच चुके हैं। और बाकी गाड़ी शाड़ी की लॉक कर ली है, कपड़े शपड़े वो अपने रूम के अंदर ले गए, और बाकी ये सारा इसका एरिया है।
ठीक है स्टार्टिंग में, और उसके बाद ये अंदर वाली साइड है इनकी, ठीक है, और बाकी जो है वो हम लोग ऐसे यहाँ से ऊपर चलते हैं ऊपर वाली साइड पर। बहुत ही प्यारा इन्होंने ऊपर से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है इसको। और ये देखें, मैंने आपको बताया ना आगे वाली साइड पे होटल है, यहाँ से कुछ होटल नज़र आ रहे हैं, उनकी कुछ लाइट नज़र आ रही हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये हम लोग जी ऊपर जाते हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर आते साथ ही आपको ना मिरर नज़र आता है, यहाँ पे हम हेलो करते हैं, हेलो गाइस हाउ आर यू। और बाकी ये कुछ इस तरीके से इन लोगों ने बनाया हुआ है, देख सकते हैं डोर, और ये सारा एरिया जो है बालकनी का है, यहाँ पे आप लोग रात को बैठ सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, इधर भी उसके अंदर भी। यहाँ पे खड़े होके हमारा जो है वो मेन व्यू आता है। और जी हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये हमारी गाड़ी है, वो किसी और की है। और बाकी उसके साथ साथ चलते हैं अंदर वाली साइड पर। ये जी हमारा अंदर वाली साइड का, यहाँ से हम लोग एंटर होते हैं, प्रॉपर कॉर्पेट और वुड यूज़ की हुई है, ये देख सकते हैं आप लोग। बाकी इस साइड पर मिरर्स, इस साइड पर मिरर्स, ये लुक चेक करें आप लोग कितनी ज़बरदस्त है। और ये सामने मिरर, ये सारे लकड़ी के दरवाजे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, इनके ऊपर प्रॉपर नंबर भी मेंशन किए हुए हैं। बाकी इस तरफ पर लाइट्स, बोतल, खाली बोतल रखने के लिए, बाकी वैक्यूम क्लीनर, उसके बाद आगे भी है। और बाकी हम अभी इस टाइम आगे नहीं जाते। अच्छा हमारा रूम कौन सा है? हमारा रूम है जी 302, दिस इज माय रूम। और इस टाइम हम लोग इसके अंदर रह रहे हैं, चलते हैं अंदर जी। अस्सलाम वालेकुम सदी नादरीन, ये रूम हमने ना मतलब पहली नज़र में देखते ही ना इसको पसंद कर लिया था, पसंद आ गया था, हमारे दिल को छू लिया था। बाकी चाल ये वॉशरूम के अंदर हाथ धोते हुए। अच्छा जी ये वॉशरूम है हमारा, ये आप लोग देख सकते हैं सफाई सुथराई है। जी जी ओके ओके, बस बस ठीक है, अब कई लोग खाना खा रहे होंगे तो इसलिए माजरत मैं चाहता हूँ आप सबसे। बाकी ये रहा बेड, ठीक है, जिस पे मामा अभी आराम फरमा रही हैं। और बाकी उसके साथ जो है वो इन लोगों ने साइड पर टेबल दिया हुआ है, ये रहा टेबल, इसके ऊपर आप अपनी चीज़ें वगैरह रख लें। LCD बट ये चलती नहीं है, उन्होंने कहा कि आप जो है वो इसको अपने मोबाइल डाटा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी उसके साथ साथ ये रहा जी हमारा बाकी सामान शमान, और ये रहा एक बेड, ठीक है, इस पर मैं अकेला सोऊंगा। और ये एक प्रॉपर फॉर्म है, ठीक है, इस फॉर्म के ऊपर जो है वो क्या नाम है, 2-3 बंदे 4 बंदे आराम से इजीली आ सकते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा बंदे हैं तो आपके लिए कमरा बहुत ज़्यादा बेहतरीन है मैं कहता हूँ, और प्राइस वाइज भी डेट्स वेरी गुड। एंड बाकी अभी जो है ना खाना छाना आता है जिस टाइम, फिर आप लोगों से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है पजान? ठीक है उतरी अल्लाह, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। पापा को थकावट हो गई है ठीक ठाक वाली, और इन्होंने जो है वो अब ठंड की वजह से ये चादर भी ले ली है। हम लोगों ने बहुत अच्छा फैसला किया कि हम लोग सर्दी वाले जितने भी कपड़े हैं ना वो लेके आए। बाकी बाय लक ये चादर भी हम लोग लेके आ गए थे, जो कि पापा के काम आ गई है, और अभी बैठे हुए हैं। सिस्टर जो है वो टांगे शांगे दबा रही हैं, तो मैं अभी थोड़ी सी ब्लॉग शूट कर रहा था। और बाकी पापा क्या सीन, अभी खाना शाना आएगा, फिर खाना शाना खाएंगे, खाना ऑर्डर दे दिया है, फिर सोना है या थोड़ा बाहर वॉक करनी है? थोड़ा खा रहे ना जरा, फिर उसके बाद ओके चक्कर लगा फिर देखते हैं। चल ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे आप सब, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे, लाइफ में चले जी। अल्लाह ताला आप लोग खुश रखे, आबाद रखे। आप लोग सोच रहे होंगे कि समी भाई की जगह आज शाल कैसे आ गई है, तो आज गाइस मैं व्लॉग बनाऊंगी भाई की जगह। आज हम आए हुए हैं, लोग आए हुए हैं, शुक्रान आए हुए भाई जान। तो शाल का दिल कह रहा था कि भाई साहब ये जो है ना थोड़ा सा व्लॉग करे, तो इसलिए जो है ना थोड़ा बहुत इंट्रो कर लिया आपके साथ जस्ट फॉर फन। अच्छा यार इशाल तुमने बताया नहीं यार तुम्हें रास्ते में, तो भाई साहब डर लग रहा था, इशाल तो रो रही थी भाई जान। रो रही थी
थी। हाँ रो रही थी, सो रही थी। वो ड्रामे बाद खुदा की कसम है कितना ड्रामा कर दिया पापा ने। सो रही थी रास्ते में, सो रही थी मैं। चल 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 चुटी, वो ड्रामे बाद कसम खुदा पहले बॉयज थे लेकिन अब वो चले गए। अभी शाल बाहर जो है ना वो आके थोड़ा सा एंजॉय कर रही है, देख सकते हैं आप लोग। फुल नाइट हैवी मून, अब ये सुबह जो है ना प्रॉपर पता चलेगा। बस 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 ड्रामे बाद ये देख रहे हैं ना आपको, ये जो लाइट्स नजर आ रही हैं इस साइड पे, इस साइड पर, इस साइड पर, इस साइड पर, सारे के सारे होटल्स हैं। बाकी नाजरीन अब जो है ना सुबह, एक मिनट यार इशाले वेट अ सेकंड प्लीज, सुबह जो है ना वो मतलब ये प्रॉपर व्यू आपको नजर आएगा। अभी तो नहीं नजर आ रहा क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा लेट पहुंचे हैं गाइस। इन केस अगर मतलब अंदर रूम की जगह कम पड़ती है ना तो हम लोग एक काम करेंगे, हम इशाल को ना बाहर निकाल दें, ठीक है? इशाल इधर, इशाल इधर लेट जाएगी, इशाल इधर लेट जाएगी। स्टार्ट कहते पता है कि क्या चीज है यार ये बात भी। बहरहाल अभी इंजॉय करते हैं, खाना आता है फिर खाना खाते हैं, बहरहाल उस टाइम आप लोगों से मिलते हैं फिर। जी तो गाइज फाइनली जो है ना खाना शाना हमारा आ चुका है, ये रहा बोनलेस चिकन और फुल कढ़ाई और कुछ भी और भी चीज़ें मैंने मंगवाई हैं वो भी आई नहीं है, आ रही हैं। बाकी ये हमारे पास चपातीज़ हैं और ये रहा हमारा जो है वो योगर्ट और उसके साथ ये जी कुछ नमक शमक और टिशू और प्लेट्स और दो क्या नाम है शीशे के गिलास। बाकी अभी ये स्टार्ट करते हैं, बाकी और भी आ जाएगा फिर आप खाना खाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। गाइस अभी टी टाइम हो चुका है हमारा, नाइस टी टाइम, टी टाइम, टी टाइम। इशाल दे ठंड लग गई। इशाल को देखो हमने बाजी आपा पर बीन बना दी है, जबरदस्त आपा के टूट के एक ग्राइन है चाय के अंदर डाल लगी है। नहीं इसमें ही ज्यादा है, चाहिए इसने लाई है हमें। गाइस गाइस जी तो गाइज अभी सीन कुछ इस तरह के, आपके भाई ने अभी चाय शाय पी ली है, खाना वाना खा लिए है और अभी कुछ सीन इस तरह के भाई जान, पहले प्रोग्राम था थोड़ा बाहर जाने का लेकिन सर्दी भाई जान ठीक ठाक है यहाँ पर और अभी तो थोड़ी देर बाद और सर्दी हो जाएगी, तो पागलपंती नहीं करते, ठीक है पागलों वाले काम नहीं करते। अभी अभी एक काम करते हैं, बस जल्दी से रिलैक्स होके अंदर जा कर सो जाते हैं और बाकी जो है वो क्या नाम है बस अभी कुछ फैमिली को टाइम देते हैं बाहर और साथ साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और इसी दुआ के साथ कि आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। बाकी है कि भाईजान बाकी अभी हम लोग व्लॉग एंडिंग कर लेते हैं। सो आई होप यार आप लोगों को ये वीडियो, ये व्लॉग ज़रूर अच्छा लगा होगा और अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ यार बनो भी ना इसको, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और भाई को दुआ में याद रखना। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग भी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और बाकी नाज़रीन कल वाला जो व्लॉग आएगा इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार होगा और आप लोगों ने ज़रूर देखना है और भाई साहब मस्ट सब्सक्राइब और बाकी मिलते हैं कल वाले व्लॉग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।